मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी बेबाकी के साथ तूफानी अंदाज में विभिन्न नगरीय समस्याओं के निपटारे को अंजाम दे रही है, जिस वजह से उनके नाम की चर्चा शहर भर में जारी है। उनके इस ख्याति के मद्देनजर बीते कई सालों से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही नए पुराने इलाकों की जनता अब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर नगर पालिका का रुख करी है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस नगर पालिका में पहुंची ये महिलाएं बालाजी पार्क की निवासी है। इनके मुताबिक पालिका प्रशासन ने बालाजी पार्क में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। इन महिलाओं का कहना है कि बालाजी पार्क में वे बीते 10 सालों से रह रही है। यहाँ न रास्ते हैं, न इलेक्ट्रिक पोल, न पर्याप्त मजबूत नालियाँ हैं। नालियों की ढलान बेतरतीब और बिगाड़पूर्ण होने से बारिश के दिनों में यहाँ का सारा इलाका तालाब की शक्ल में ढल जाता है। इन सारी समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार पालिका प्रशासन का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन किसी ने उनकी कोई सुध नहीं ली। ऐसे में जब शहर में नगर पालिका मुख्याधिकारी के तौर पर माधुरी मड़ावी की एंट्री हुई है, तब से बेहद कम दिनों में शहर में बड़े बदलाव नजर आने लगे हैं। नागरी समस्याओं से जुड़े हर काम को युद्ध स्तर पर निपटाया जा रहा है। ऐसे में सोमवार को पालिका कार्यालय पहुंचकर बालाजी पार्क निवासी इन महिलाओं ने पालिका मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी से प्रशासकीय मदद की गुहार लगाई है। आम्ही बालाजी पार्क मधून आलेलो आहोत। आमच्याकडे रस्ते नाही, नाल्याचं पाणी साचलेलं आहे, नाल्याच्या पाण्याचा उतार नाही आहे, पूर्ण पाणी घाण पाणी जे साचलेलं आहे ना ते आमच्या विहिरीमध्ये बोरमध्ये साचलेलं आहे। रस्ता म्हणजे इतका खराब झालेला आहे रस्ता की मुलांना शाळेत जाता येत नाही, येता येत नाही, ऑटोवाले आमच्याकडे येत नाहीत, म्हणजे तुमच्या इकडे रस्ते चांगले नाही, कोणी भाजीवाला येत नाही, दूधवाला येत नाही, रस्ते खूपच खराब झालेले आहे। आणि विशेष म्हणजे नालीचं जे पाणी आहे पूर्ण लेआउटचं ते पाणी जे आहे मुरलेलं आहे, लेआउटमध्येच मुरलेलं आहे, त्याला जायला रस्ताच नाही, पूर्ण असं घाण साचलेली आहे आमच्या इकडं। तर आम्ही ह्या मॅडमचं काय नवीन मॅडम जे आलेले आहे ना त्यांचं खूप नाव ऐकलेलं आहे, खूप चांगल्या मॅडम आहे, कर्तृत्ववान मॅडम आहे मडावी मॅडम, तर ते ऐकलेलं आहे। आम्ही इथं बरेच वेळा येऊन गेलेलो आहे पण मॅडमबद्दल ऐकलेलं आहे, त्याच्यामुळं आम्ही इथं आलेलो आहोत मॅडमला भेटायला। जी आमची कंडिशन आहे खरी ती आम्हाला मॅडमला दाखवायची आहे। चला मॅडम 10 मिनिटातच वेळ द्या फक्त, तुम्ही ते आमचं खरं आहे की खोटं आहे तुम्ही येऊन पहा फक्त, मॅडमला आमची नम्र विनंती आहे। गौरतलब है कि अब तक नगर पालिका के विभिन्न कार्यकाल में कई मुख्याधिकारी आए और गए, कई नगर सेवक भी हुए, कई नगर अध्यक्ष भी हुए, कई लोग विभिन्न विभागों के सभापति भी रहे, लेकिन इतने सालों में शहर के विभिन्न विभागों की कई सालों से प्रलंबित समस्याओं का निपटारा पूरी तरह से नहीं हुआ है। लेकिन माधुरी मड़ावी ने आते ही शहर की अनेकों वर्षों से प्रलंबित विभिन्न जटिल नागरिक समस्याओं को अपने प्रभाव से सफलतापूर्वक दूर कर दिखाया है। शायद इसीलिए ऐसा पहली बार हुआ है कि एक मुख्याधिकारी के नाम और काम से प्रभावित होकर लोग उससे अपने परिसर की बुनियादी सुविधाओं की न सिर्फ गुहार लगा रहे हैं बल्कि यकीन भी जता रहे हैं कि माधुरी मड़ावी है तो नागरी समस्याओं का निपटारा मुमकिन है। NBC न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।